तो गाइस फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का ग्लैमर BS6 मॉडल खरा इंजन बाइक है। और यहाँ पे देखिए बाइक को अभी वाश वाश नहीं करवाए, बाइक में एक मेजर प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर बाइक में देखते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये गियर शिफ्टर लीवर जो है ना इसका स्प्रिंग टूट जाता है। अब कुछ ऐसा हुआ बाइक में, गियर शिफ्टर लीवर को आगे करते तो आगे रहे थे, पीछे करते तो पीछे ही रहे थे। यानी कि जिस गियर में डालते हैं तो फिर ये प्रॉपर अपने सेंटर पर नहीं आता है, वहीं अटक जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और गियर शिफ्टर लीवर का जो स्प्रिंग टूटा है ना इसको रिप्लेस करने के लिए क्लच चैम्बर असेंबल ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये शाफ्ट निकल करके बाहर आएगा। पूरा देखिए बाइक के हमने राइट साइड से यहाँ पे क्लच कवर को ओपन कर लिए, और जब तक हम क्लच कवर को यानी कि क्लच चैम्बर को जब तक ओपन नहीं करते तब तक हमारा गियर शिफ्टर लीवर जो है खुल करके बाहर नहीं आएगा, यानी कि गियर शाफ्ट जो है ना खुल करके बाहर नहीं निकल पाए। इसके लिए यहाँ पे फुटरेस को ओपन किए और क्लच चैम्बर ओपन कर लिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे फुल क्लच किट असेंबल ओपन करना है। क्लच किट आपको नॉर्मली आसानी से ओपन हो जाएगा। क्लच सभी पार्ट को हम ओपन कर लिए। अब इस बाइक में क्लच प्लेट सबको रिप्लेस नहीं करना है, मैं नहीं कि बाइक में गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम है, तो गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। चलिए फटाफट से क्लच किट को हम ओपन कर लेते। जस्ट उसके बाद देखिए क्लच किट असेंबल को हम ओपन कर लिए, और ये इसका एक बूश यहाँ पे लगा हाउसिंग बूश, एक बीच में यहाँ पे फॉल्स बूश दिया गया है जो कि क्लच हाउसिंग के पीछे लगा रहता है। और ये है बाइक का गियर शाफ्ट, इसका स्प्रिंग मुझे लग रहा है इसका टूट गया। और देखिए ये वाला स्प्रिंग टूटा है, देखिए टूटा हुआ भाग स्प्रिंग का ये रहा हमारा। चलिए हम शाफ्ट असेंबल को ओपन करें, तो गियर शाफ्ट हमने गियर लीवर को ओपन कर लिए, फुल असेंबल शाफ्ट जो हमारा खुल करके बाहर आ जाए कुछ इस तरह। देखिए गियर शाफ्ट हमारा खुल करके बाहर आ गया, और ये इसका स्प्रिंग है टूटा हुआ। देखिए यही वो रिटर्निंग स्प्रिंग है जो स्प्रिंग इसका टूट चुका है। देखिए ये वो स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग मार्केट में मिल जाए आसानी से गियर शाफ्ट का तो सही है, अगर नहीं मिलेगा तो फुल असेंबल इसका शाफ्ट रिप्लेस करना पड़ेगा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि स्प्लेंडर पैशन HF डीलक्स में फिर ग्लैमर में हीरो का ज़्यादातर बाइक में देखते हैं गियर शाफ्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या आप लोगों के बाइक में भी ऐसा प्रॉब्लम कभी आया है तो आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए पहले हम स्प्रिंग ढूंढते हैं, जस्ट उसके बाद स्प्रिंग मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फुल गियर शाफ्ट असेंबल इसका रिप्लेस करेंगे। तो गाइस देखिए ये जो गियर शाफ्ट का जो ग्लैमर BS6 मॉडल का जो बाइक है उसका जो स्प्रिंग टूटा था, बट ये शाफ्ट असेंबल मुझे नहीं रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि इसका जो स्प्रिंग है ना वो मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल गया बाइक के नाम से ही। देखिए यही वो स्प्रिंग है, कुछ इस मॉडल का स्प्रिंग था बट ये टूट गया जिसके वजह से गियर शिफ्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ गया था। तो अभी क्या करेंगे फटाफट से हम लॉक प्लास के मदद से इस लॉक को ओपन करेंगे। यहाँ से देखिए बिल्कुल ईजी वे में लॉक ओपन हो गया और बिल्कुल आसानी से टूटा हुआ स्प्रिंग बाहर निकल गया। और ये है ब्रांड न्यू स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को कुछ इस तरह से आपको आहिस्ते से करना है यहाँ पे सेटिंग। चलिए इस स्प्रिंग को सेटिंग कर ली यहाँ पे, देखिए बिल्कुल इजी वे में सेटिंग हो गया। अब इस लॉक को यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं, लॉक को भी हम परफेक्ट यहाँ पे सेट कर दिए, लॉक हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इस स्प्रिंग को इस तरफ ले जाना है, बिल्कुल हाथ से भी आसानी से हो जाएगा, अगर हाथ से नहीं हो रहा तो फिर आपको लॉक प्लास का यहाँ पे यूज कर लेना है। अब देखिए कुछ स्प्रिंग को हम कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट कर दिए, बिल्कुल आसानी से स्प्रिंग सेट हो गया। अब जस्ट इसके बाद यहाँ पे एक इस तरह का वार्सल आ जाता है, इस वार्सल को यहाँ पे रखना है और इसको सेट कर देना। और देखिए अगर गियर शाफ्ट असेंबल रिप्लेस करते तो 300-400 का गियर शाफ्ट असेंबल आता, बट इसको 10 से 15 रुपया ने स्प्रिंग मिल गया और क्लाइंट को 300 से 400 रुपया बच गया। तब चलिए फटाफट से इसको हम सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखलाएंगे गियर शिफ्टिंग किस तरह से वर्क करता है। सेटिंग करने से पहले ये जो है इसका सेंटर बूश है, इसको एक बार जरूर चेकअप कर लेना अच्छा से। अब चलिए बिल्कुल इसको आस्ते से हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, रोक दिए, देखिए यहाँ पर आ गया। अब जस्ट इसको सेंटर करके अंदर की तरफ पुश कर देंगे, परफेक्ट सेट हो गया। अब इसके बाद क्लच हाउसिंग वाला पीछे में एक फॉल्स बूश है उसको डाल देना है, जस्ट उसके बाद हाउसिंग बूश यहाँ पर डालना है, क्लच हाउसिंग को सेटिंग करना है, एक वार्सल ये आ जाता है इसको यहाँ पर रख के क्लच असेंबल को आपको फटाफट से सेटिंग कर देना। अब चलिए क्लच असेंबल फटाफट से सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को दिख लेंगे गियर किस तरह से वर्क करता है। तो गाइस देखिए क्लच का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ, किक शाफ्ट को हम परफेक्ट यहाँ पर असेंबल कर लिया। अब चलिए इसमें हम क्लच गैस्केट नया डाल करके क्लच चैम्बर को कर देते हैं सेटिंग। गाइस देखिए बाइक का क्लच चैम्बर का काम मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर क्लच चैम्बर में हमने नया क्लच गैस्केट डाल करके सेटिंग कर ली। अब क्लाइंट बोला इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करने के लिए, इसमें हम नया इंजन ऑयल भी डाल देंगे, इंजन ऑयल का फिल्टर चेंज करेंगे, बट ताकि बाइक का गियर शिफ्टर जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, यानी नीचे दबाए नीचे रह जाता, पीछे से दबाए पीछे ही रहा, लेकिन अब देखिए आगे कर रहे हैं या फिर पीछे कर रहे हैं, अपने सेंटर पर ऑटोमेटिक जा रहा है।
तो ऐसा जो प्रॉब्लम था प्रॉपर वर्क नहीं करने का, इसका जो अंदर में जो गियर शाफ्ट में एक स्प्रिंग लगा था, स्प्रिंग टूट गया था, जिसके वजह से आगे का तो आगे ही रह जाता, पीछे करते तो पीछे रह जाता था। अगर आप लोगों के बाइक में ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो उस टाइम आप समझिए गियर शाफ्ट का स्प्रिंग टूट गया है, तो उस टाइम आपको स्प्रिंग रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आपको किसी दूसरे बाइक का शाफ्ट चाहिए, स्प्रिंग चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।